हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी एल आर आई टी में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सप्टम 10 फिटर थेरी मॉक टेस्ट नंबर 24। इसके पहले भी हमने एक से लेकर 23 तक के मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल से। या फिर इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में भी हर एक पार्ट के लिंक आपको मिल जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर एक क्लास में, पूरे क्वेश्चन के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सप्टम 10 फिटर थ्री मॉक टेस्ट नंबर 24। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को पकड़ने के लिए कौन से पार्ट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्नग, दूसरा गाइड पिन, तीसरा रॉकर आर्म, चौथा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को पकड़ने के लिए कौन से पार्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। तो स्क्रीन पर आपको एक वॉइस का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये वॉइस कौन से टाइप का है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिन वॉइस, दूसरा पाइप वॉइस, तीसरा हैंड वॉइस और चौथा है क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है, तो इस वॉइस का नाम है ऑप्शन नंबर सी हैंड वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट से स्क्वायरिंग मटेरियल निकालने के लिए कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉस कट चीजल, तीसरा डायमंड पॉइंट चीजल और चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉर्नर से जो जॉइंट होता है, जॉइंट से स्क्वायरिंग मटेरियल निकालने के लिए कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग एंगल। तो जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो जी के सहायता से जो एंगल दिखाया गया है, इस एंगल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा वेज एंगल, तीसरा कटिंग एंगल, चौथा है क्लियरेंस एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए चीजल में जो जी के सहायता से एंगल बताया है, तो इस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इन टू वायर विदाउट रप्चर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें हम वायर तैयार कर सकते हैं बिना टूटे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा टेनासिटी, तीसरा इलास्टिसिटी और चौथा है मैलेबिलिटी। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके सहायता से हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं बिना टूटे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द वन डिवीजन आप थिम्बल विथ अ स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पीच। अगर जैसे माइक्रोमीटर की स्पिंडल में 0.5 mm की पीच कटी होती है, तो उसमें से अगर हम एक रेशा अगर घुमाते हैं, तो उसमें कितना मूवमेंट होता है, कितना दूरी तय करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे माइक्रोमीटर के जो थिम्बल होते हैं उसमें 50 डिवीजन होते हैं, तो उसमें से अगर हम एक ही रेशा अगर घुमाते हैं, तो कितना मेजरमेंट होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। के लिए पहला ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा 0.10 mm, तीसरा 1 mm और चौथा ऑप्शन है 10 mm। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल में अगर 0.5 mm की पिच कटी होती है और उसमें से सिर्फ हम अगर एक ही रेशा मूव करते हैं, तो कितना मेजरमेंट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर में जो रीडिंग दिखाया गया, इस रीडिंग को हमें मेजर करना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 24.2 mm, दूसरा 24.8 mm, तीसरा 25.2 mm और चौथा ऑप्शन है 26.2 mm। तो जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो डायल कैलिपर में मेजरिंग दिखाया गया है, तो सबसे पहले 0, 5, 10, 15, 20 और उसके बाद 25 के बाद और एक 0 पे आ गया, मतलब ये 26 है। 26 के बाद ये जो आपको डायल दिखाई दे रहा है, ये हमारा पॉइंट की वैल्यू है, मतलब 26.2। इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26.2। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा 2 मतलब 20 mm, उसके बाद ये 25 के बाद एक राउंड आया, मतलब ये 0 तक 26,
उसके बाद जो पॉइंट दिखाया गया ये हमारा 226.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन गैंग ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है आइडल ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यूस मिलिंग ऑपरेशन और चौथा है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैंग ड्रिल मशीन में से हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, मतलब लगातार हम कंटिन्यू गैंग ड्रिल मशीन के साथ ड्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, बेंच वाइस का मटेरियल क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा मीडियम कार्बन स्टील और चौथा है कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि बेंच वाइस का मटेरियल क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइडेड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस, मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर कौन से मार्किंग मीडिया से क्लियर लाइन दिखाई देता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हाइट वॉश, दूसरा प्रिसिशन ब्लू, तीसरा कॉपर सल्फेट और चौथा है सेलुलोज लेक्वर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीन सरफेस के ऊपर कौन से मार्किंग मीडिया के सहायता से क्लियर लाइन दिखाई देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिशन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एक्स, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाया गया है, इस स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का डायग्राम है और इसमें जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेग, दूसरा पेग, तीसरा वॉशर और चौथा है फल्क्रम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, फल्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबो 10 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फाइल के सहायता से हम नैरो ग्रूव को फाइलिंग कर सकते हैं 10 डिग्री तक। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, दूसरा हाफ राउंड फाइल, तीसरा ट्रायंगुलर फाइल, चौथा नाइफ एज फाइल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से फाइल के सहायता से हम नैरो ग्रूव को फाइलिंग कर सकते हैं 10 डिग्री तक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल, तो स्क्रीन पर आपको फाइल के डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये फाइल कौन से टाइप की फाइल है, तो ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बैरट फाइल, दूसरा रिपलर फाइल, तीसरा क्रॉसिंग फाइल और चौथा है मिलसा फाइल। तो जो स्क्रीन पर आपको फाइल का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस फाइल का नाम है ऑप्शन नंबर बी, रिपलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस, तो स्क्रीन पर आपको एक वॉइस का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस वॉइस का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिन वॉइस, दूसरा पाइप वॉइस, तीसरा हैंड वॉइस और चौथा ऑप्शन है मशीन वॉइस। तो जो स्क्रीन पर आपको एक वॉइस का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस वॉइस का नाम है ऑप्शन नंबर ए, पिन वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राइंडर मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन से ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर, दूसरा पोर्टेबल ग्राइंडर, तीसरा पेडेस्टल ग्राइंडर और चौथा ऑप्शन है सरफेस ग्राइंडर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से ग्राइंडर के सहायता से हम हैवी ड्यूटी वर्क कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चर, टेंसाइल फोर्सेस के लिए कौन से मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा टेनासिटी, तीसरा इलास्टिसिटी और चौथा है मैलेबिलिटी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चर, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेंसाइल फोर्स को सहन करने की कौन से मटेरियल की गुणधर्म होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक, तो स्क्रीन पर आपको एक वी ब्लॉक का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का वी ब्लॉक है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, दूसरा सिंगल लेवल डबल ग्रू, तीसरा ऑप्शन है डबल लेवल सिंगल ग्रू और चौथा ऑप्शन है डबल लेवल डबल ग्रू। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए वी ब्लॉक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डबल लेवल सिंगल ग्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वी ग्रू आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से वी ग्रू है इसलिए डबल लेवल है, और सिंगल ग्रू मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही ग्रू कटा हुआ है एक साइड से, और डबल ग्रू रहता है तो इसके ऊपर और एक ग्रू कटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग ऐसी अगेंस्ट द वर्क सर्फेस इन द मेटल कटिंग फोर्सेस, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कटिंग टूल जो कटिंग करते समय मेटल के साथ फ्रिक्शन होता है, मतलब घिसता है, तो उसे किसके कौन से इसके साथ कौन से एंगल के साथ हम ये घिसना रोक सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस, मतलब कटिंग टूल को घिसने से कैसे हम बचा सकते हैं वर्क सरफेस के साथ, कौन से एंगल के सहायता से हम कटिंग टूल को घिसने से बचा सकते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डिक्रीज स्लिप एंगल, डिक्रीज लिप एंगल मतलब लिप एंगल को बढ़ाकर, लिप एंगल को कम करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज रेक एंगल, रेक एंगल को बढ़ाकर, या फिर तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज क्लियरेंस एंगल मतलब क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर, या फिर चौथा ऑप्शन है डिक्रीज टूल बेज एंगल, टूल बेज एंगल को कम करके। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कटिंग टूल जो वर्क सरफेस के साथ रबिंग होता है उसे कौन से एंगल के सहायता से हम इसे रोक सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल अगर हम बढ़ा देते हैं तो वर्क सरफेस के साथ रबिंग होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में मेजरिंग फेस कौन सा पार्ट फिट किया जाता है मेजरिंग फेस के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एनविल, दूसरा बैरल, तीसरा स्पिंडल और चौथा है रैचेट स्टॉक। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि विच पार्ट इज मेजरिंग फेसेस, मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर में कौन से मेजरिंग फेस फिट किए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनविल, मेजरिंग फेस जो होता है हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर का एनविल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट, कौन से थ्रेड के क्रेस्ट और रूट राउंड शेप में होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बीए थ्रेड मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है बीएसडब्ल्यू थ्रेड मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, या फिर तीसरा ऑप्शन है बीएसडब्ल्यू मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, या फिर चौथा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कौन से थ्रेड के क्रेस्ट और रूट राउंड शेप में होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीएसडब्ल्यू थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क एट दैट रिक्वायर फाइल और ड्रिलिंग, कौन से वाइस, जो क्वेश्चन ने पूछा गया है कि कौन से वाइस में हम छोटे आकार के जॉब को पकड़कर उसमें फाइलिंग या फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिन वाइस, दूसरा पाइप वाइस, तीसरा हैंड वाइस और चौथा है टूल मेकर वाइस। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कौन से वाइस में हम छोटे आकार को जॉब को पकड़कर फाइलिंग और ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलॉन्ग कर्व लाइन, कौन से हैक्सा फ्रेम के सहायता से हम कौन से हैक्सा ब्लेड की सहायता से हम कर्व लाइन को कट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील ब्लेड, दूसरा ऑल हार्ड ब्लेड, तीसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड और चौथा डायमंड पॉइंट ब्लेड। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कौन से ब्लेड की सहायता से हम कर्व लाइन को कट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ बी मेजर बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ कैन द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ बी मेजर बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथी स्लीव, दूसरा लेंथी स्पिंडल, तीसरा एडजस्टेबल बेस और चौथा है इक्विप विद अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि हाउ कैन द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ बी मेजर बाय द डेप्थ माइक्रोमीटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, एक्सटेंशन रॉड की सहायता से हम वाइड एंगल को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन द पेडेस्टल ग्राइंडर, तो यहाँ पर आपको एक पेडेस्टल ग्राइंडर का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस पार्ट को एक्स के रूप में दर्शाया गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल रेस्ट, दूसरा आई शील्ड, तीसरा व्हील गार्ड और चौथा है ग्राइंडिंग व्हील। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि पेडेस्टल ग्राइंडर के डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूल रेस्ट। ये जो हमारा टूल रेस्ट है इसके ऊपर हम कोई भी कटिंग टूल को होल्ड करके फिर ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द पार्ट मार्क एक्स इन द रेडियल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा स्पिंडल, तीसरा रेडियल आर्म, चौथा स्पिंडल हेड। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी
स्पिंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेस्ट ऑफ वर्क ऑफ, दूसरा ऑप्शन है सपोर्टिंग पीस, तीसरा शार्पनिंग और चौथा है फोल्डिंग शेप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन शीट मेटल वर्क। तो स्क्रीन पर आपको एक शीट मेटल का ट्रे दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रे में कौन से टाइप का नॉच यूज किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वी नॉच, दूसरा स्लैंट नॉच, तीसरा स्क्वायर नॉच और चौथा स्ट्रेट नॉच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्क्रीन पर आपको एक शीट मेटल का ट्रे दिखाई दे रहा है, इस ट्रे में कौन से टाइप का नॉच उपयोग किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रोवर। तो स्क्रीन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रोवर का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ग्रोवर जो होता है ये शीट मेटल वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ग्रोवर का क्या उद्देश्य होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिलीजिंग ऑफ सीम, दूसरा कंप्रेस द सीम, तीसरा क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, तो ये शीट मेटल वर्क में यूज किया जाता है। तो ये जो सपोर्टिंग टूल शीट मेटल वर्क में यूज करते हैं, तो इस टूल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हैचेट स्टेक, दूसरा फनल स्टेक, तीसरा हाफ मून स्टेक और चौथा राउंड बॉटम स्टेक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो सपोर्टिंग टूल है शीट मेटल वर्क में यूज किया जाता है, तो इस सपोर्टिंग टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राउंड बॉटम स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन शीट मेटल। तो ये शीट मेटल का एक जॉइंट दिखाया गया है स्क्रीन पर, तो इस जॉइंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक शीट मेटल है, इस तरह से एक शीट मेटल है, दोनों शीट मेटल को जॉइंट किया गया है, तो इस जॉइंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रुप जॉइंट, ग्रूव जॉइंट, दूसरा पेन डाउन जॉइंट, तीसरा नॉक अप जॉइंट और चौथा डबल ग्रूव जॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शीट मेटल का जो जॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये कौन से टाइप का जॉइंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डबल ग्रूव जॉइंट। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बार यहाँ पे ग्रूव दिखाया गया, इसलिए ये हमारा डबल ग्रूव जॉइंट है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 24, इस क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।